दिए, मतलब लेखक किस पाठ का लेखक है, पहले हमें ये बताना होगा ना। तो लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे, उत्तर देंगे बेटे। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा ये है, लेखक ने वर्तमान काल में जीने की सलाह दी है, क्योंकि हम लेखक ने पार्थ चेन की देन में हमको हमको वर्तमान काल में जीने की सलाह दी है, क्योंकि अब क्योंकि में क्या क्यों सलाह दी है वर्तमान काल में। ये लास्ट लाइन होगी हमारी जो आपने लिखा है ना पूरा, दिस शुड बी योर लास्ट लाइन। हम पहले ये लिखेंगे क्योंकि प्रगतिशील देश जो भी उन्नति कर रहे हैं वो दूसरे देशों से प्रतियोगिता करते हैं, और इस प्रतियोगिता में एक दिन का नाम कट्टो में कट्टो में लगता है, जिस कारण उनका मानसिक तनाव इतना बढ़ चुका है कि वो भविष्य की चिंता करते हैं। आम इंसान भी बस इतना छोड़ो कि मैं आपने बता दिया हमें लेखक के बारे में पता है, then you will start, आम इंसान या भविष्य की चिंता करता है या भूत का चिंता है, उसे वर्तमान में जीना ही नहीं आता, ठीक है, ना भविष्य हमारे हाथ में है ना भूत काल हमारे हाथ में, हम जिस काल में रहते हैं उसी काल में जीना चाहिए। उसके लिए भारत में अध्यात्म और जापान में चार की विधि को अपनाया जाता है। हमने अपना पूरा लेक्चर झाड़ दिया कि हमें लेसन के बारे में पता है, हमने उसका भी उठा लिया, ठीक है, झाड़ना एक एक लाइन ऊपर एक नीचे, हमें बता देना है कि कौन से लेसन से लिया गया, ठीक है। अब वजीर अली की पैदाइश में सादत अली कौन सा सब्जेक्ट है, सादत अली सपने देख रहा था कि भाई के बाद, आपको नहीं पता सिकुदुल्ला छोड़ दो कि भाई के बाद, क्योंकि भाई की कोई संतान नहीं है, भाई के बाद वही राजा बनने वाला है। अचानक भाई के संतान पैदा हो जाने पर वजीर अली को उसने अपना दुश्मन माना, नहीं जरूर नहीं, थोड़ा सा पता चल जाए कि आपको पता है लेसन का, आपको पता डाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। पाठकार तो उसमें अगर शुरुआत यहाँ से करो, क्योंकि तीन तो लेसन है तो डाल दो तो अच्छी, दो लेसन है, सॉरी दो ही तो लेसन, तीन भी नहीं है, दो ही लेसन है, कारतूस और दो ही लेसन। आगे है फारसी की घटी, बच्चे क्या लिखना चाहिए, दो नंबर का आंसर, फारसी की घटी बचते ही बच्चे डर से क्यों काम उठ सकते, आपको लगता है ना कि इसमें फारसी की घटी में कौन पढ़ाता था उसका नाम पता होना चाहिए, प्रीतम चंद, बहुत जरूरी था उनका नाम, पीटी मास्टर प्रीतम चंद, कौन से क्या क्या दो वर्ड उसने यूज किए थे, कौन से, खाल खींच देने वाले और एक और वर्ड यूज किया हुआ, खाल खींच लेने वाले और दूसरा एक और वर्ड यूज हुआ हुआ, कौन सा शब्द यूज हुआ है, दिखाओ तो उस पर शायद दिखाओ जरा, खाल खींच लेने वाले और मुझे दो दो मैं पे इतने पे टूट गया ना, नहीं स्पर्श भी नहीं, हाल कितना तो एक मिनट पहले मिल गया, चमड़ी उधेड़ देने वाले, बात एक ही है, हाल खींचना भी चमड़ी उधेड़ना, ठीक है, ये दो वर्ड उसने यूज किए, हाल खींचना और चमड़ी उधेड़ना। तो पीटी मास्टर प्रीतम चंद जी खाल खींचने वाले, चमड़ी उधेड़ देने वाले पीटी अध्यापक थे, बच्चे उनसे बहुत डरते थे,
फारसी या फारसी का विषय उन्हें पढ़ाने के लिए दिया गया। एक बार किसी शब्द रूप के ना याद होने पर उन्होंने बच्चों को मुर्दा बनाया और उनकी मुहब्बत मारा, और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया और हेडमास्टर ने पीटी सर को मुअत्तल कर दिया। फिर भी हर फारसी की लड़की के बच्चे जो उन्हें डर था कहीं भी दिए अध्यापक उसे ना आ जाए। हाँ मुअत्तल मुअत्तल क्यों डरते थे फारसी की घंटी बजते बच्चे क्यों डरते थे? बेशक उन्हें मुअत्तल किया जा चुका था फिर भी उन्हें डर था, बच्चों को डर था कि कहीं पीछे अध्यापक दोबारा पढ़ाने ना आ जाए। दिस वाज द राइट आंसर। और जो क्वेश्चन में राइट आंसर आपको लगता है ना आप कॉन्फिडेंट हो, ये चीज टीचर को पढ़नी चाहिए, मतलब लगता है अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो मतलब लगता है ताकि उतना टीचर पढ़े और आगे निकल सके। आगे है समर मूवी में शत्रुओं से लड़ते समय सैनिक की भूमिका। समर भूमि युद्ध भूमि, समर युद्ध का पर्यायवाची शब्द है। युद्ध भूमि में सैनिकों के शत्रुओं से लड़ते समय सैनिक के मन में क्या भावना थी? अब देखो मुझे नहीं पता, मुझे पहले लेसन का नाम लाना। कर चले हम फिदा पाठ में सैनिक मरते मरते चाहते हैं कि उनकी कुर्बानी के बाद काफिले सजते रहे और देशभक्त पैदा होते रहे। सैनिकों की सेना का रास्ता कभी खाली ना हो, लोग है ना वे चाहते हैं कि हम उनकी मृत्यु के बाद और लोग सेना में आए और देश की रक्षा का कार्यभार संभाले। नई लेसन ये कर चले हम पिता चारों तरफ साथ में हमारे क्या है कर चले हम पिता, यानी हम तो देश के लिए कुर्बानी देकर जा रहे हैं, अब आने वाली जनता के हाथ में देश की बागडोर है और आने वाली जनता के हाथ में देश की रक्षा का कार्यभार है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी मेन हमने अपना सेंट्रल आइडिया उठाना और लेसन हमारे एप्रोप्रिएट हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे सारे सारे लेसन की बात करते हैं आपके साथ, सारे लेसन की बात करते हैं। पहला है हमारा सेंट्रल आइडिया क्या है? प्राकृतिक चित्रण, पर्वत प्रदेशों, बारिश का मौसम हो तो क्या होता है? ओके, पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत का प्रदेश हो, बारिश का मौसम हो तो क्या होता है मौसम के साथ? है ना, और साथ में हमने लिखे इंद्रदेवता इंद्रप्रस्थ। बस ये मेन सेंट्रल आइडिया है, पर्वत प्रदेश में पावस नाम से क्लियर है। ओके, सेकंड लेसन उठाओ मनुष्य का, कोई धर्म नहीं सिर्फ मनुष्य, नो अदर रिलीजन मनुष्यता। ठीक है, मनुष्यता तभी हमारी वृद्धि अच्छी है, तभी धरती हमें याद रखेगी। महात्मा बुद्ध के विरुद्ध लोग खड़े हुए फिर भी लोगों ने उनका बाद में साथ दिया क्योंकि उन्होंने मनुष्यता की बात की। करण दगीची रतिदेव, इन सबका वर्णन चार है, रतिदेव दगीची चिनी चारों का वर्णन है कि चारों की भी मनुष्यता ही याद रखी जाती है। फिर कभी पैसे के लिए अपना नहीं होना चाहिए, तो पैसे के लिए कभी अपना नहीं होना चाहिए, यहाँ अनाथ हो तो परमात्मा से क्यों चाहते और परमात्मा अच्छा करने वाले को अपनी गोद में बिठाता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है हम किसी के दुख में शामिल हो सके और किसी का भला करते करते हमारा भी भला तारता हुआ करे। किसी को आप नदी किनारे पहुंचाने वाले हो तभी पहुंचा पाओगे अगर आप किनारे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता किनारे पहुंचा के आप डूब जाओगे।
किनारा दिखाओगे हंसकर गुजारा करना है और जल्दी अपने मार्ग को क्विट नहीं करना। चलो अभी तुम्हारे के साथ मार्ग मार्ग के हजार छुपे विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे तो मनुष्य का हो गया। तीसरी कविता है कर चले हम जान बर्बाद कर चले सारा कुछ आपके हाथ में। And so, so many times I have told you, I have done my level best for 10th class. Now, what is it? You have to do it. I have to do it. I have to do it. I have to do it. Now, it is in your hand. How to modify the culture? After that, we have to do cartoons. Now, Wazir Ali was cartoons. लेके शेर की बांध में हाथ डाल के वापस आ गया ना। कौन था, किसका बेटा था, किसका भतीजा था, ये तो पता ही होना चाहिए। और किस किस को साथ में मिलाया उसने, टीपू सुल्तान, शमसुद्दौला, है ना, मतलब वो तो पता ही होना चाहिए। इतना तो हमें जैसा तो पता ही होना चाहिए। ये टाइटल है इसका पता, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो कभी हाथ नहीं लगाए गए। पतझड़ की टूटी पत्तियां, टूटी पत्तियों को कोई नहीं छेड़ता, नई पत्तियों की औरत भी देखता है। तो ये ऐसे टॉपिक्स है जो हाथ नहीं लगाए गए। इसमें से एक लेसन जो हमारा है वो है जेन की देन। जेन ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जापान के लोग मनोरुग्ण हो जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता करना चाहते हैं ना दूसरे देशों से। तो मानसिक रोगी कैसे ठीक हो सकते, मतलब दिमाग की रफ्तार को कैसे रोका जा सकता है, दिस इज अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन। दिमाग की रफ्तार को, ओके, इन जनरल वर्ड्स दिमाग की रफ्तार कितनी है पता है आपको? नहीं पता ना, अभी देखते हैं खुली आंखों से। मैं अभी आपको कह रही हूँ कश्मीर वैली जाइए और एक गुलाब का फूल तोड़ के लाइए, अच्छा सा, जो ना लाल हो ना पिंक हो, कुछ अजीब सा रंग हो। दिमाग गया, भाग के गया, वहां देखा बर्फ ही बर्फ है, मैं फूल नजर नहीं आया, वापस भी आ गया, जवाब भी दे दिया। बल्कि वहां जाता जाता ये भी देखा है दो तीन गाड़ियां फिसल भी गई है। दिमाग की रफ्तार की बात करते हैं, इतनी रफ्तार है कि सपने में भी कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। सपने में भी दिमाग सोता नहीं, सारा शरीर हमारा सो रहा होता है, दिमाग नहीं सोता। तो हम इसी बात को कर रहे हैं कि मानसिक रोगी ना हो, मनोरुग्ण ना याद रहे, तो मानसिक रोगी ना हो। इसके लिए वहां पे विधि निकाली चा, और हमारे यहाँ आध्यात्मिक है, अध्यात्म है, हमारे यहाँ अध्यात्म है ना, मंदिर चल जाओ आधा घंटा बैठो, गुरुद्वारे चले जाओ आधा घंटा बैठो, वहां पे हमें थोड़ा सा ब्रेक लगती है हमारे दिमाग से। तो यही दो लेसन है उधर। अब उधर चलते हैं संचयन के लेसन पे। हरिहर काका, एक व्यक्ति की कहानी है जिसके भतीजे हैं कौन सा फेर हो गया, ठाकुर वाली है वहां के परिवार वाले, दो अलग अलग पहलू बन गए हैं। गांव भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, गांव भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। कुछ कहते हैं ठाकुर बाड़ी को दे दे अपनी जमीन ज्यादा, सीधा स्वर्ग जाएगा। कुछ कहते हैं नहीं नहीं अपना खून देखिए पहले, अपने खून के नाम तो ये यूजुअल कहानी है हरिहर काका, एक व्यक्ति विशेष की कहानी है जो डिसाइड कर लेता है मरता मर जाऊंगा अपनी जायदाद नाम नहीं लिखूंगा, जीतते जी तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए उसने एक देखी थी ना, अपने गांव की एक विशेषर नाम का आदमी था, उसकी विधवा के साथ क्या हुआ था। दिस वाज अ होल स्टोरी एंड नेक्स्ट इज सपनों के सिलसिले। और मैंने आपको बताया स्कूल टाइमिंग आपके लिए सपनों के सिलसिले होने वाला है। स्कूल टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग कोई कहा है गुरदयाल सिंह
यही सेंट्रल आइडिया है उस लेसन का, है ना। लास्ट है टोपी शुक्ला। लेसन में लेखक ने बताना तो ये चाहा है कि एक बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसकी मनोस्थिति कोई नहीं समझता, मन की स्थितियों की कोई नहीं समझता, उसकी मानसिक स्थिति को कोई नहीं समझता। बच्चा जहां अपना कंफर्ट जोन देखता है ना वहां जाना शुरू हो जाता है। अब हमारा जो टोपी है हिंदू परिवार से है लेकिन दोस्ती हो गई इसकी मुसलमान परिवार से, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा होनी चाहिए, लेकिन घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तूने ये अम्मी शब्द कहां से सीख लिया? ये बेचारा सच्चा सच्चा बच्चा है, भाई झूठ बोलते हैं, इसे झूठ बोलना घर में सबसे छोटा है, सारे काम उसको कहते हैं, उसकी अपनी पढ़ाई नहीं हो पाती। पढ़ाई को अगर किसी और का काम करते जाते अपनी कॉपियों के जहाज बनाने जाता कॉपी गई मतलब इस तरह। लेकिन अंत में आपसे किसी ने नहीं पूछना आप पास क्यों नहीं हो, कोई बात नहीं चल रहा मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा था, पापा आपकी बहन आ गई थी, पापा आपका ये हो गया था, किसी ने नहीं सुना। सबने कहना दसवीं पास हो गया कितने नंबर आए, कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला, जो भी था आप पढ़ते। टोपी के साथ भी ऐसा हुआ, तीन बार बेचारा फेल हुआ, और फेल होने से बच्चे की दशा क्या होती है ये इसमें वर्णन किया गया है। ना तो अब अध्यापक उसकी तरफ ध्यान देते हैं, ना माँ बाप उसे ताना सुनाते वो अलग, अध्यापक भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अध्यापक भी कहते तू अगले साल पढ़ी तू कड़ा पास होना, आने वाली और छोटी क्लासेस की दोस्ती कर तू तो यही रहने वाला है। अगर वो कुछ सुना भी देता तो उसे क्या कहते, तो तीन साल हो गए तो उसे रट जाना चाहिए, मतलब उसकी मानसिक स्थिति कोई नहीं समझता। अब वो उसकी माँ पर भी बोलती है ना तो वो जाता है माँ भी, क्योंकि माँ मिल जाती है माँ आपकी कुछ भी बोली बोलती है पर जाती है बेटा भी मेरा अच्छी लैंग्वेज बोले, है ना। उसे माँ की बोली अच्छी लगती है तो वो उस बोली का प्यार पाने जाता है अपने दोस्त की दादी के पास, दोस्त की दादी भी पड़ जाती है, दोस्त के पिता का भी तबादला हो जाता है, तो बेचारा अकेला रह जाता है। फिर किसके पास आता है, नौकरानी सीता के पास। अब नौकरों की गोद में रहेंगे, नौकरों के पास रहेंगे, सॉरी अर्थ में कहने की आदत पड़ जाएगी, हमारा मोरल और डाउन 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 डाउन। ईगो नहीं होनी चाहिए लेकिन अपना मोरल भी डाउन नहीं होना चाहिए, इंसान को पॉजिटिव सोचने की आदत होनी चाहिए। नहीं मांगनी माफी तो नहीं मांगनी, तो मेरा कसूर ही नहीं है तो लेकिन नौकर क्या कहते हैं, सब कसूर है नहीं है बात करना है। दो क्वेश्चन आते हैं टोपी को, इफन की दादी से क्यों प्यार था, इफन की दादी भी कुछ भी बोली बोलती थी, इफन की दादी उसे इधर उधर की फटकारते भी बचाती थी, अपनी दादी से ज्यादा प्यार करती थी, मतलब इफन की दादी उसे कहानियां भी सुनाती थी और इधर उधर की डांट से भी बचा लेती थी, इसलिए उसे इफन की दादी से बहुत प्यार था। चलो ये टोपी को इफन की दादी से प्यार था, इफन को अपनी दादी से ज्यादा प्यार क्यों था, घर में सभी उसका ध्यान रखते थे, बहन बाजी पिताजी अम्मी सब ध्यान रखते थे, पर दादी ने कभी उसे कुछ भी नहीं कहा था ना और उसे कहानियां सुना दी। दादी ने फिर पढ़ाई के बारे में आपके क्या विचार है आज ऐसा तो नहीं
अपना बच्चे का सारे साल का प्रयत्न देखना चाहिए। आप पूछना चाहेंगे? आर यू देयर नेशनल?